महान मूर्ख सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा था और रास्ते में फारस था। उसने फारसी साम्राज्य को तहस नहस कर दिया, शाही परिवार के सारे पुरुषों को मार दिया। उस आदमी की खोज में गया जो हड्डियों के ढेर के साथ बैठा हुआ था। ऐसा हुआ जब सबसे बड़े मूर्ख सिकंदर का यह सपना था कि वो पूरी दुनिया को जीत ले, लेकिन इतिहास के उस दौर में दुनिया का महत्वपूर्ण हिस्सा भारत था और आज भी है, लेकिन उस समय ये काफी महत्वपूर्ण था। Was everybody wanted to conquer India because of the wealth and the culture and the most prosperous nation on the planet, all these things. तो दौलत, संस्कृति और धरती पर सबसे समृद्ध देश होने और इन सब चीजों के कारण हर कोई भारत को जीतना चाहता था। तो वो भारत की तरफ बढ़ रहा था और रास्ते में फारस था। तो उसने फारस साम्राज्य को तहस नहस कर दिया, शाही परिवार के सारे पुरुषों को मार दिया और फिर वो आगे भारत की ओर जाना चाहता था। लेकिन फारस को संभालने के लिए उसे एक जागीरदार राजा की जरूरत थी, कोई ऐसा जो उसकी कठपुतली हो और उसके लिए साम्राज्य को संभाले। उन दिनों आप यूं ही किसी को चुनकर उसे वहां नहीं बैठा सकते थे, उसे शाही परिवार से होना चाहिए वरना लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो खोजने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसने शाही परिवार के सारे पुरुष सदस्यों को मार दिया था। तब किसी ने कहा, एक राजकुमार है जो बहुत समय पहले परिवार को छोड़कर चला गया था और वो अपना पूरा समय कब्रिस्तान में बिताता है। फारसी लोगों में ऐसा चलन है कि वे अपने मुर्दों को न तो दफनाते हैं और न ही जलाते हैं। वो बहुत चतुर लोग हैं, आज भी वो बहुत चतुर लोग हैं। मुर्दे पर जलाने की लकड़ी, ईंधन को क्यों बर्बाद करना? जलाने से हवा को क्यों प्रदूषित करना? धरती में गड्ढे खोदने की मेहनत क्यों करना? उसे बस यूं ही चिड़ियों और दूसरे मुर्दा भक्षियों द्वारा मांस खाने के लिए छोड़ दो, फिर सिर्फ हड्डियों को दफना दो, जो आसान है क्योंकि 100 लोगों के मरने के बाद आपको एक बड़ी खुदाई करनी होगी, वो आसान होगा। मैं बस ये कह रहा हूं कि ये उनका तरीका है, ये उनकी परंपरा है। तो ये युवा राजकुमार घर छोड़कर चला गया। सालों से वो बस कब्रिस्तान में बैठा था, इन हड्डियों को देखता हुआ कुछ एहसास करने की कोशिश कर रहा था। भारत में एक पूरी परंपरा है कि योगी, उनके प्रशिक्षण का पहला हिस्सा है कि उन्हें श्मशान भेजा जाता है, वहां जाकर बैठो और देखो। तो सिकंदर इस आदमी की खोज में गया, तो वो वहां हड्डियों के ढेर के साथ बैठा हुआ था। सिकंदर ने कहा, देखो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, तुम बस वहां राजा की तरह रहो, मैं हर चीज की देखभाल करूंगा, मेरे सिपाही, मेरे लोग, हर चीज सब कुछ संभाल लेंगे, तुम बस राजा बन जाओ, सिंहासन पर बैठो, मुकुट पहनो, मैं हर चीज का ख्याल रखूंगा। तब ये राजकुमार वहां एक निराश गिद्ध की तरह हड्डियों को देख रहा था, क्योंकि अगर हड्डी में मांस नहीं है तो गिद्ध निराश हो जाता है। हड्डियों को उस तरह से देखकर उसने कहा, देखो यहां बहुत से लोग मरे हैं, उनमें से कईयों को तुमने मारा है, और कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ शाही परिवार से हैं, कुछ साधारण लोग हैं, कुछ ऊंचे थे, कुछ नीचे थे। मैं इन हड्डियों के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी हड्डी ऊंची है, कौन सी हड्डी नीची है, कौन सी शाही हड्डी है, कौन सी साधारण हड्डी है, कौन सी अमीर हड्डी है, कौन सी गरीब हड्डी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या तुम मुझे बता सकते हो? सिकंदर ने इसे देखा, मेरे लिए यह बहुत जटिल है, वो बस छोड़कर चला गया, ये उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया था। सबसे कीमती चीज आपका जीवन है और वो खिसकता जा रहा है, आप ये सोच रहे हैं और आसपास जो नाटक चल रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं, समय निकला जा रहा है। अगर आप समय को रोक सकते और चर्चा करते कि किस तरह से आपका पति ठीक नहीं है, तो हम वैसा कर सकते हैं, लेकिन समय निकला जा रहा है, लेकिन हम ऐसी चीजों में समय लगा रहे हैं जिनकी हम परवाह नहीं करते। अगर आप जानते कि समय निकला जा रहा है तो आप उन चीजों में समय नहीं बिताते जिनकी आप परवाह नहीं करते, है ना? तो मैं एक
यंत्र बनाने की सोच रहा हूं, हम उस पर फिलहाल काम कर रहे हैं, कि हर दिन ये आपको याद दिलाता रहे, अरे आप 50 साल के हो गए, समय की रेत का 50% जा चुका है, और ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये बस चलता जा रहा है। आपने पुरानी रेत घड़ियां देखी हैं, वो आपको बस ये बताती हैं कि 1 घंटा खत्म हो रहा है। हम इसे थोड़ा बड़ा बना सकते हैं ताकि आपको पता चले कि पूरे समय आपका जीवन कैसे खत्म हो रहा है, क्योंकि अगर आप बैठते हैं तो वो चला जाता है, अगर आप खड़े होते हैं तो वो चला जाता है, अगर आप कुछ शानदार या आप कुछ बुरा करते हैं तो वो चला जाता है, आपने कुछ नहीं किया तो वो चला जा रहा है। समय और जीवन की यही प्रकृति है। अगर आप समय की प्रक्रिया से ऊपर उठना चाहते हैं तो इसका तरीका है, लेकिन उसके लिए भी आपको एक तरह से विलीन होना पड़ेगा, वरना जब तक आप समय के गुलाम हैं, सबसे अच्छा होगा कि आप इस बारे में जागरूक हों कि समय निकला जा रहा है। इस जीवन में कोई ऐसी चीज करने के लिए समय नहीं है जो आपके लिए सचमुच मायने नहीं रखती हो। Yes or no?